错。How are you? कैसे हैं आप सब? So welcome back to my channel, Her Creative Side. And today we are going to react on the latest episode of Roadies. Very demanding video. So मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लेके नहीं बैठती हूँ. मैं जो भी होता है, मुझे जो वीडियो में उस टाइम पर दिखेगा, आई रिएक्ट ऑन दैट. सो अभी भी मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई है. मैं जैसे ही वीडियो देखती जाऊंगी, उस पर रिएक्ट करती जाऊंगी. सो द वीडियो इज़ गोइंग टू बी अनफिल्टर्ड एंड देयर विल बी सम अनपॉपुलर ओपिनियंस आल्सो. सो स्टार्ट करने से पहले गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. ये रिएक्शन वीडियोस हर सैटरडे संडे आएगी ऑन द डिमांडिंग वीडियो. जो भी डिमांडिंग वीडियोज़ होगी उस पर आएगी रिएक्शन वीडियोज़. सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड विल स्टार्ट विद द एपिसोड. तोड़ने के बाद आई थिंक ये दोनों एक बार समझे बेटर वे में तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुंह खुलता है दोनों का आगे गैंग्स पे. ओके, उस चीज से मेरे को बहुत पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है. सर ये कह रहा है जैसे कि मेरे मुंह खुलते हैं वहां, मैंने वोट आउट में मुंह तो खुलता दे रहा हूं, कितना मुंह खुल गया तेरा. नहीं बोला इसने, नहीं बोला इसने, ले पूरी बैंड बजा दी. यू आर लुकिंग लाइक अ फूल. मेरे को समझ नहीं आता कि जहां मैं गौतम सर का अकेले स्टैंड ले रहा हूं, वो मेरा स्टैंड नहीं ले रहे हैं एंड उल्टा मुझे ही उस बात पे सुनाई जा रहे हैं. सर मैं बताता हूं. ओके, आई विल टेल यू समथिंग. So what I think is दिग्विजय is a very image conscious. वो एक इमेज कॉन्शियस बंदा है. ही इज़ प्लेइंग वेरी ओवर स्मार्टली. वो सिर्फ गेम खेल रहा है ताकि ऑडियंस को क्या लगेगा ये सोच के, हम ऑडियंस उसके बारे में ये देख के क्या सोचेंगी वो पहले सोच लेता है और वो उसी हिसाब से अपना गेम खेल रहा है. सो ही थिंक्स के ज़बरदस्ती की ऑनेस्टी बताऊँगा तो ऑडियंस उसको ज़्यादा प्यार करेगी, बट इस चक्कर में वो अपनी ही गैंग से डिसलॉयल हो रहा है. एंड गैंग से जो डिसलॉयल होता है, ये इतिहास गवाह है कि वो कभी आगे नहीं गया है. क्योंकि जब आपके साथ आपकी गैंग ही नहीं होगी तो आप वैसे भी आगे नहीं जा पाओगे. और मैं तो बोल रही हूँ अगर ये जीत भी जाता है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो अपनी गैंग से डिसलॉयल होकर जीतेगा. अगर यही फॉर्मेट होता, आप सब इंडिविजुअली खेलने लग जाते तो फिर इस फॉर्मेट का मतलब ही क्या था गैंग्स रखने का? आओ सब इंडिविजुअली खेलो और जीतो, यही रहता ना. गैंग का मतलब क्या है फिर अगर आपको इंडिविजुअली खेलना है तो? जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि बाहर लोग मुझे ऑनेस्टी दिखा के पसंद करेंगे तो ज़बरदस्ती की ऑनेस्टी दिखा रहे हो एंड अपनी गैंग के आप पोल खोल देते हो वोट आउट में. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ वेरी गुड मूव. वो बहुत ओवर स्मार्टली खेल रहा है, दैट्स वॉट आई थिंक. सर मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम जैसे प्रिंस भाई आए उन्होंने इनसे बात की तो ये लोग उनसे रिलायंस बनाने को तैयार हो गए. तो आप पहले बात ही नहीं करोगे? हाँ सर मैं वही बता रहा हूँ. वो सोचता है वो बहुत बड़ा गेमर है, उसको मैं कंपटीशन में मानता ही नहीं. सर वही मैं बता, वो कौन सी गेम खेल रहा है पिछले 7 सालों में मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ना वो जीत रहा है ना वो कोई टास्क जीत रहा है, तो तुम लोग उसकी कैसे सुन सकते हो? एग्जैक्टली मेरे रहने से यहाँ पे तुम लोग टास्क तो जीत रहे हो ना, दूर रहे. ये भाई भाई से नहीं, हाँ बोल दो प्रिंस भाई, सही है प्रिंस भाई जा रहे हैं ना, हार रहे प्रिंस भाई. मैं बहुत पी गया प्रिंस से कंपटीशन में मानता ही नहीं, मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ही डिजर्व्स माय साइलेंस, बिकॉज ही जस्ट लाइक्स टू आर्ग्यू एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे आर्ग्यू करनी नहीं. द डे ही इज गोना टॉक टू मी लाइक ए जेंटलमैन, आई एम गोना रिप्लाई, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूँगा उससे. सो ब्लॉक भी मार दिया उसको मैंने. मैंने कहा मैं तेरे से बात ही नहीं करूँगा, ना तू मेरी अच्छी लाइफ को देख और ना तू मुझसे जल, ना तू मेरे आसपास रह और मुझे फेक हेलो मत कर. मुझे फेक बोल रहा है. खुद इतनी बार लड़ाई करेगा, अगले दिन आके हेलो बोलेगा, कभी सॉरी भी बोल देगा. एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई हैड टू ब्लॉक दिस गाय. क्योंकि अब पंगा लिया है तो लेंगे, एंड तक लेंगे, क्योंकि तुम लोगों को जिताना है मुझे. ओ माय गॉड ब्रो ब्रो ब्रो, आई थिंक ये 19 सीजन में इकलौता सीजन है जिसमें गैंग लीडर्स भी कंटेस्टेंट की तरह खेल रहे हैं. अरे गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप लोग गैंग लीडर्स हो, कंटेस्टेंट को लेने दो यार फुटेज लड़के. आपस में ये लोग लड़ रहे, फुटेज ले रहे. सी आई थिंक
ये सीज़न देख के ऑडियंस ने ये तो मतलब ऑडियंस को पता है कि हम पहले सीजन्स क्यों पसंद करते थे, बिकॉज वहाँ पे गैंग लीडर्स फाइट भी करते थे तो वो एक हेल्दी फाइट होती थी एंड दे स्टिल रिस्पेक्ट ईच अदर, और वो गैंग को गेम को गेम तक ही रखते थे. बट इस सीज़न में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है विच इज़ नॉट रियली अप्रिशिएट. वी डोंट अप्रिशिएट दिस. आई डोंट थिंक किसी को भी ऐसा रूडीज पसंद आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लगता है कि कंटेस्टेंट तो एक दूसरे से बहुत रिस्पेक्ट के साथ खेल रहे हैं, बहुत डिग्निटी के साथ खेल रहे हैं, बट ये तीनों गैंग लीडर वो एक दूसरे के इंसल्ट करना, डीमीन करना, दे आर प्लेइंग वेरी डर्टी. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी तक लग रहा था कि दोनों साइड से है, प्रिंस भी गौतम भी, वो दोनों ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. बट आई हैव नोटिस समथिंग, इतने टाइम से बाई फार जितने भी एपिसोड्स देखे, प्रिंस हमेशा फेस पे आके बोल देता है दैट इज़ ट्रू. ये सब जानते, सब ने देखा है, वेरी एविडेंट. बट मैंने जितना भी देखा है, गौतम कभी भी फेस टू फेस प्रिंस को कुछ नहीं बोलता है. ही ट्राइज़ टू बी लाइक काम एंड कंपोज्ड एंड सबके सामने इज़ ट्राइंग टू बी कि मुझे नहीं करनी है इससे बात, ये वो. एंड वो पीछे जाके जब भी अपनी गैंग से बात करता है, ही इज़ ऑलवेज डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स प्रिंस. वो हमेशा डिमीन करता है प्रिंस को. ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू बी rude and abusive. See, I'll tell that like very clearly, he is abusive. आप किसी को गैंग लीडर को आप ऐसा बोल रहे हो, मैंने नहीं देखा पिछले सीजन्स में कभी गैंग लीडर ने किसी कंटेस्टेंट के बारे में भी पीछे ऐसा कुछ बोला हो. वो अपनी गैंग में किसी कंटेस्टेंट को भी अब्यूज़ नहीं करते थे, बट हेयर गैंग लीडर खुद अपने गैंग में जाके दूसरे गैंग लीडर को गालियाँ दे रहे हैं एंड उनको डिमीन कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. आई थिंक ऐसे गेम अगर आप जीत भी जाते हो तो कोई मतलब नहीं है. आई थिंक प्रेम टू फनी ब्रो. एटलीस्ट कोई तो है पूरे एपिसोड में जिसको देख के हमें थोड़ी हंसी तो आ जाती. लाइक ही इज़ एंटरटेनिंग, ही इज़ टू गुड, ही इज़ टू गुड. प्रेम ऐसा बंदा है जो मजाक मजाक में ना सीरियस बात बोल जाता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है. ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट. आई लाइक इट. देखा, मैंने बोला था प्रेम सीरियस बात बड़े मजाक में बोल देता है, और दिग्विजय ने भी बड़ी गहरी बात बोल दी है कि आज जो गैंग जीते वो पूरी की पूरी मेन हो जाए. ओके, दैट्स अ गुड टास्क. भाई आपने कहा था जो गिर जाएगा वो बाहर हो जाएगा. सर मैंने यहाँ से पकड़ा ही फूट गया. बॉम्ब को मैं फ्लैप से उठाता हूँ एंड इतनी देर में मैं देखता हूँ कि सिर्फ फ्लैप मेरे हाथ में एंड नीचे पंप टूट चुका है. इसीलिए बोलते हैं अपनी गैंग से लॉयल रहो. बट कोई ना, देखते आगे. आई होप कि जो भी बेस्ट परफॉर्मर हो वो इम्यून हो जाए. सो लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट टाइम इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. गुड. भी जाती हूँ, उसके बाद नीरजा ऊपर पहुँचती है. तो मना किया था कि पूरे टाइम हाथ में बम नहीं पकड़ना. पीयू ने बम हाथ में पकड़ा, एक हाथ में, उसने कहीं भी नहीं रखा और वो सीधा ऊपर चढ़ गई. तो अगर हमें यही करना होता ना बहन, तो मैं भी एक हाथ में बम पकड़ लेता और फटाफट ऊपर चढ़ जाता. पीयू ने प्लैंक पे नहीं रखा. ये रखा नहीं उसने फट्टो पर. भाई तू घर चला जा. चलिए, अब ये बंदा मेरे से तो सहन नहीं हो रहा. पता नहीं गैंग गौतम ने इसको कैसे बर्दाश्त किया होगा. मतलब अरे यार भाई, इतना क्या हरीशचंद्रगिरी करनी है तेरे को. ये तो बात बहुत क्लियर है कि उसने फाउल किया, तो वो तो वैसे भी जो होना था गेम के हिसाब से वो होता, प्रिंस ने बोल दिया था. बट इसको कहाँ ज़रूरत थी बीच में हाँ बोलने की. इसके हाँ बोलने से और ना कुछ बोलने से फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये बंदा कितना डिसलॉयल है अपनी गैंग से. मुझे समझ नहीं आ रहा ये अपनी गैंग का दुश्मन क्यों है भाई. हाईलाइट किया है हमारे दिग्विजय सर ने यहाँ पे कि पीयू ने. अरे प्रिंस सर ने बोला था यार, अपनी ही गैंग के अगेंस्ट हो रखा है.
चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ट्रू ट्रू, बट हाईलाइट इसने नहीं किया था, ये खुद हाईलाइट हो रहा है बिकॉज ये चाहता है वो स्पॉटलाइट, समझ रहा है? तो ये अटेंशन के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बाकी ये तो पता है अब फ्रस्ट्रेशन गैंग का कहीं तो निकलेगा ना, ये बेचारा बलि का बकरा बन गया। हाँ नॉट बेचारा बट ओके। सारा ऐसे थोड़ी है, जो गेम है वो गेम है रूल्स के साथ। भाई पीयू ने प्लैंक पे वो बम नहीं रखे, सिर्फ प्लैंक लगाया और यहाँ से चढ़ गई, वो तो बहुत इजी है। फिर स्पीड ना चुपा था मेरी नीचे, और अपने ही गैंग मेंबर से धोखा खा के बेचारी आ गई नीचे। तो लगता है कि पीयू ऊपर देखेंगे तो मैं उसको थोड़ा टीज कर सकती हूँ, मतलब जो हार गया उसका रिएक्शन देना, मतलब वो कितना अच्छा। अरे भाई चल ना ऊपर, रख दे, चल चल जा ना प्रियंका, जा प्रियंका, चल चल ऊपर, चल यार, चल 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 पीयू ऊपर देख, चल यस बेटा, ले जा ले जा ले जा, चल 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 ऊपर देख जाना पीयू। Oh my God, मैं कितने खुश हूँ, मुझे फाइनली ये बंदा वाशु मुझे परफॉर्म करते हुए दिख रहा है आज। वो मैं कब से वेट कर रही थी कि ये कब परफॉर्म करेगा, सो लेट्स सी। मुझे बहुत हाई होप्स है कि इस बार तो अच्छा परफॉर्म करे एटलीस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। स्टार्ट होता है और तीनों लड़के फुल थ्रॉटल से चढ़ने लग जाते हैं। चल 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 शिवी, चल जा भाई, चल जा, जा जा बमले, कोई बात सुन रखी है, अरे रस्सी डिली करो, इजी इजी देखता हूँ कहीं ना कि वाशु वैसे बहुत पहले ऊपर चढ़ चुका है, तो एक दिल में होता है कि भाई भाई ये वाला अगर टास्क हार गया तो हमारी गैंग बाहर जाएगी यहाँ पर। देखो इन्हें ये उसकी बूंदे। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये सिर्फ बम नहीं टूटा है, इसके साथ मेरी उम्मीदें भी टूट चुकी है। अपनी प्रथा आगे बढ़ाते हुए इस बार भी इसने हक दिया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आई डोंट थिंक सो, मैं इस बंदे को कभी परफॉर्म करते हुए देख पाऊंगी क्योंकि ये कभी परफॉर्म करता ही नहीं है। मतलब हर टास्क में, कोई भी टास्क में ये शाइन नहीं कर पा रहा है, इतने वीक्स हो चुके हैं। आई डोंट नो हाउ ही इज इवन सर्वाइविंग, लाइक थैंक्स टू प्रियंका गुप्ता, इफ यू नो यू नो। इस भाई की गैंग में से मास्टर ऑफ पा चुके थे, वो थे वाशु। अब वाशु को हम क्या ही बोल सकते, इजली राउंड जीतने वाले थे, भाई ने हट दिया। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। वन गो, जैसे उसने बॉम्ब स्पॉट पे गिराया, वाह रियली वाओ। मतलब अभी तक के सारे परफॉर्मेंसेस में सबसे ज़्यादा क्लोज भी नहीं, जो टारगेट पे जिसने हिट किया है सब में से, वो हिमांशु है। सो लेजिट रियली वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल प्लेड। हमारी एक्साइटमेंट का कोई सीमा नहीं है, एंड ऑल वी नाउ एक्सपेक्ट इज कि शयान उस टारगेट पे हिट ना करे। मान ली जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि फिफ्थ राउंड में जा रहा था जोगिंदर, और उसके ऊपर जो ट्रस्ट था ना वो जीरो था हमारा। भाई तू तो बोल ही मत, ये जो बोल रहा है ये बंदे ने कितने टास्क जीत लिए, एटलीस्ट जोगिंदर टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो वो जाके ऐसे चौड़ा भी नहीं होता है ना लोगों के सामने कैंप साइट पे। ये बंदा जो बोल रहा है ये परफॉर्म तो कर नहीं पाता है और अलग से जाके लोगों में जो चौड़ दिखा रहा है, आई डोंट नो ये करने क्या आया वहाँ पर। बहुत बढ़िया,
रख के आराम से रख। चल 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 जा ऊपर तक चल। आराम से बंदी मेरा इजी। चल चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस एक्सपेक्टेड था ये तो बिल्कुल। आशिका सबसे पहले ऊपर पहुंच गई, उसके पीछे पीछे पल्लवी भी पहुंच गए। अब भूमिका नीचे देख रहा है। अरे ये तो यही खड़ी हुई है, इसने टास्क यही खत्म कर दिया। What I think about this girl, ये बंदी बहुत हाइप कर रखी है, ओवर हाइप, लाइक आई थिंक ओवर रेटेड शी इज। आई हैव नॉट सीन हर परफॉर्मिंग इन रूडीज दिस सीजन। एंड ये वासु जो बोल रहा है इसके लिए, तो आई थिंक भाई वो परफॉर्मेंस में तेरी ही बहन है, बस फ़र्क इतना है कि तू टास्क करके हक देता है टास्क में, वो सिर्फ मुँह से हकती है क्योंकि टास्क तो उससे हो पाते नहीं हैं। तो वो कैंप साइड में सिर्फ फुटेज लेने के लिए अपने मुंह से हकती है और किसी के साइड साथ भी फाइट पिकअप करती है, मोस्टली पीहू के साथ ही, बिकॉज उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि सबसे वो तोड़ दे, वो सबसे बना के रखती है। बट उसको पता है सॉफ्ट टारगेट पीहू है, तो वो उस पर चढ़ जाती है, बिकॉज उससे टास्क में कुछ नहीं होता है ना, यही होता है ये जो इसने अभी किया ना, यही होता है इससे टास्क में। मेरा ओपिनियन यही है कि ये बंदी रूडीज़ में इसने कुछ भी नहीं किया। आई डोंट कंसिडर हर अ परफॉर्मर। और अगर इसके पूरी गैंग में अगर कोई लीस्ट डिजर्विंग है राइट नाउ, तो ये है फोस्ट, शी इज़ लीस्ट डिजर्विंग। अगर किसी को निकलना चाहिए तो भूमिका इज़ द वन जिसको पहले एलिमिनेट होना चाहिए। दैट इज़ वॉट आई थिंक, बिकॉज आई डोंट नो ये यहाँ पर परफॉर्म करती नहीं, सिर्फ मुँह से हकती है। आशिका जब टारगेट लगाए तो उसका टारगेट थोड़ा सा बाहर लगा, तो कहीं ना कहीं हमें डर आ गया था कि शिट। आई कंसिडर आशिका एज अ गुड परफॉर्मर, सो लेट्स सी। आई थिंक आई होप ये जीत जाए। काफ़ी श्योर थे हम लोग कि पल्लवी ये कर लेगी, वो खुद काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। मैं बस फिंगर क्रॉस कर रही हूँ कि भाई ये राउंड जिता दो, कुछ तो कर लो, कुछ भी कर लो, बस ये राउंड जिता दो। हार्ड लक, आई थिंक उसका टारगेट बहुत सही था, बट बिकॉज उसके पैर पे लग गया, सो या आई थिंक बैड लक। और थोड़ा कंसंट्रेशन भी उसका नहीं था, अगर फोकस रखती तो शायद ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से आई थिंक उनको बहुत वोट आउट में फेस करना पड़ेगा। आई थिंक नाउ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रिंस की गैंग जीती है, क्योंकि काफी टाइम से वो लोग टास्क हारते हुए जा रहे थे, तो ये जीत बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और इस मोमेंट पे जहाँ पे उनकी पूरी गैंग इम्यून होने वाली है, सो आई एम रियली हैप्पी। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि अब ये दोनों जो अलायंस में खेल रहे हैं, बहुत ऑब्वियस गेम चला रहे हैं, नंबर्स की गेम है क्योंकि, तो अब ये लोग क्या करते हैं। व्हाट आई बिलीव इज़ इनको अपने, मेरे ओपिनियन से आई थिंक कि रिया की गैंग में से ही इनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर अब उड़ाना चाहिए, बिकॉज प्रिंस की गैंग में से बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन्होंने एलिमिनेट कर दिए है, गौतम की गैंग से भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन्होंने एलिमिनेट किए हैं। सो अब बैलेंस करने के लिए रिया की गैंग से भी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स जाने चाहिए, तो ही गेम मेरे हिसाब से इक्वल होगी। बट अगर अभी भी गौतम की गैंग बिकॉज ऑफ सम सांप, अगर वो लोग इस बार भी वोट आउट में हक देते हैं, तो आई थिंक इनकी गैंग में से कोई ना कोई निकलेगा। तो अपनी बचाने के लिए ही एटलीस्ट इन लोगों को यूनिटी तो रखनी होगी। अगर नहीं होती है सो मे बी रिया की गैंग वापस से इन दोनों के बीच में फ़ायदा लेके चली जाएगी। समझ रहे हो? इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। पीयू ने साफ साफ देखा था कि जो फ्लैप था उसके ऊपर बॉम्ब नहीं रखा था, तो वहाँ से प्रिंस भाई चलाते कि उसने नहीं रखा ना, तो हाँ मैंने बोला नहीं रखा,
तो आपको लगता भाई तू कहां है टीम मेंबर वो बोलना सही था कहां है मतलब हमें साइड है साइड की बात नहीं है मैं अपनी साइड हूं मुझे जो सही लगे मैं वो बोल लूंगा सो मत लेना की बात फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ रखो साइड ये बंदी बहुत क्यूट वे में बोलती है ये वर्ड बाबे आई रियली लाइक पंजाबी एक्सेंट भाई तेरे को बोलना है तो तू मुझसे आके बोलना गैंग को आके बोल गौती सर को जाके बोल तुझे हर लोगों के सामने जाके बोलने का क्या जरूरत है एक सिचुएशन देती हूँ गौतम सर लड़के यू करवा लेते कि चलो ड्रॉ हो गया कैंसिल आउट हो गया दोबारा परफॉर्म कर रहे हैं बट क्योंकि तू हा 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 कर रहा है वो हम पे उल्टा पड़ जाता तो हो तो कोई बात नहीं मेरे को नहीं फर्क पड़ता ओ भाई यहाँ पे ना अपना टाउन फाउंड सब तोड़वा रहे हैं अपना गेम को चलाने के लिए भाई, करने के लिए करो भाई, क्या कर रहे हो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी मैंने नहीं देखा कोई भी एपिसोड्स में कि हिमांशु ने कभी दिग्विजय का साइड ना लिया हो ही इज ऑलवेज सपोर्टिव ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी लड़ रहा होगा वहाँ पे चाहे दिग्विजय की गलती भी होगी एक बार बट वो सबको शांत करवा के यही बोलता है जैसे इसने अभी भी बोला कि मैं समझाता हूँ दिग्विजय को तो आई डोंट थिंक कि वो बंदा कभी भी दिग्विजय के पीछे उसके लिए कोई उसके खिलाफ कोई प्लानिंग करता है बट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड उसने उसको अभी तक जितनी जर्नी मैंने देखी है ही इज़ ऑलवेज सपोर्टिव टू दिग्विजय एंड अभी जो बाहर में चल रहा है इन लोगों का अब हम सब देख रहे हैं कि ये लोग यू नो पोस्ट डाल रहे स्टार्टिंग दिग्विजय से ही हुई है ऑब्वियसली वो डाल रहे उसके खिलाफ सो आई थिंक उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि जिस बंदे ने पूरी गैंग भी अगेंस्ट हो गई बट ये बंदा अकेला था जो इसके अगेंस्ट नहीं हुआ एंड उसको सपोर्ट कर रहा था सो ही इज़ रियली अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज़ वेरी ब्लेस्ड अगर उसको ऐसा फ्रेंड मिला बट वो नहीं रख पाया सो हिज लॉस या यार ये क्या मन बुद्धि इंसान हमेशा एक बंदा ही गलत हो पांच लोग सही हमेशा तू ही क्यों गलत होता है हमेशा क्या पता मैं हमेशा सही होता हूँ तुम मुझे सच में इस पे तरस आ रहा है ये अभी भी खुद को सही समझ रहा है मतलब सच में भाई बाहर आके तू देख गौतम सर को आज बताना चाहूंगी कि गैंग गौतम में सिर्फ पांच लोग हैं दैट्स इट भाई गैंग से पहले मैं अपना हूँ और अपने एथिक्स का हूँ तो जो मुझे करना है जो मेरे दिल में है वो मैं सामने करूंगा एंड मुझे नहीं फर्क पड़ता है फिर चाहे सारे रोडीज ही मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए इसका मतलब सेल्फिश ही होता है जो बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी सोचता हूँ सो इट्स गुड टू बी सेल्फिश एंड आई रियली होप कि इस बार जो अनडिजर्विंग हो वही वोट आउट हो ना कि कोई स्ट्रॉन्ग एलिमिनेट हो जाए तो लेट्स सी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज दिस वॉज द रिएक्शन वीडियो ऑन दिस एपिसोड ऑफ रूडीज इफ यू गाइज वॉन्ट नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो ऑन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ वोट आउट ऑफ रूडीज प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कॉमेंट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाइएगा कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी अगर सब्सक्राइब करेंगे लोग तो कि मेरा कॉन्टेंट लोगों को पसंद आ रहा है सो ये बहुत ही अनफिल्टर्ड ओपिनियंस थे मेरे नो ऑफेंस टू एनीबडी दिस वॉज माई ओपिनियन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज Please do subscribe my channel and comment. Thank you so much. And stay tuned for the next video of reaction on Rudy's and other reality shows. Thanks. Love you.